हेलो। हाँ, कितनी देर में लेकर आ रहे हैं अपने हार को? यहाँ सारी तैयारियां हो गई हैं। क्या हुआ पूनम? चुटकू कब तक आ रहा है? आपका चुटकू नहीं आ रहा माजी। मृता की माँ ने उसकी पेल रद्द करवा दी। पूनम क्या हो गया है तुझे? तुम्हीं ने बताया ना अमृता की माँ को निहार की बेल के बारे में। माँ, मैंने किसी को? अरे झूठ मत बोलो तुम। जरूर तुम्हीं ने जानकारी दी होगी, तभी उन्होंने यहाँ आकर मेरे बेटे की जमानत रद्द करवा दी। अच्छा खासा जेल से बाहर आ गया था निहार, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बेटा एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माँ यकीन कीजिए, मैंने मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने आपको बताया था ना, वो अमृता की माँ कितनी पावरफुल है। माँ, निहार भैया की बेल के बारे में पता लगाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। मैंने नहीं बताया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। पूनम, ऋतु सही कह रही है। तुम पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं बचा है ऋतु। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मुझे इस बात की जरा सी भी भनक लगी कि तुम इधर की बातें उधर कर रही हो, तो याद रखना वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। गाड़ी में तो आ गई अपुन, वो नाश्ते तो कैसे पहुंचू मैं? आवाज कहां से आ रही है? ये टिक्की खुली कैसे है? अब ये पाना यहाँ किसने रख दिया है? ये दरवाजा ये कैसे खुल गया? मैं तो बंद करके गई थी। अब इन अस्थियों से अमृता की मौत की गुत्थी सूझेगी। क्या सुचिता को लगता है कि अमृता जिंदा है? हाँ बेटा, और इसीलिए वो सारे सबूत इकट्ठा कर रही है। मर गए? ऐसा कैसे हो सकता है पापा? हो सकता है बेटा। तुम्हें याद है जब अमृता ने रुचिता को मारना चाहा था, तब रुचिता बच गई थी। वो मर चुकी है, ये याद है उसकी। लेकिन हम सबको लगा था कि वो नहीं रही। पापा, उस टाइम रुचिता की हमें बॉडी नहीं मिली थी, और यहाँ तो हम सबने अमृता की बॉडी को देखा। बस यही एक बात खटक रही है बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, रुचिता सच ढूंढने में लगी हुई है और हमें पूरा यकीन है कि वो सच ढूंढ निकालेगी। तुम बस हिम्मत रखो बेटा। हाँ पापा, जब तक रुचिता की हिम्मत बंधी है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और ना ही रुचिता पर अपने विश्वास को हारने दूंगा।
अब मुझे पूरा यकीन हो गया, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन सिर्फ रुचिता ही है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, अच्छे से चेक कीजिएगा, देखिएगा कोई गलती ना हो। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक से करूंगा, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी ना मैं आपको कॉल करूंगा। थैंक यू सर, अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। भगवान से मनाऊंगी कि जैसा मैं सोच रही हूं बस वैसा ही हो। हेलो, हाँ रुचिता जी, ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या क्या निकला? कुछ अजीब ही रिपोर्ट है। अजीब मतलब? मतलब ये किसी इंसान की अस्थियां नहीं है। क्या? हाँ, ये किसी कुत्ते की अस्थियां है। कुत्ते के मतलब अमृता की नहीं है? अरे नहीं मैडम, अमृता क्या, ये किसी भी इंसान की अस्थियां नहीं है। हेलो हेलो, आप ये प्लीज जल्दी से जल्दी आप ये रिपोर्ट भिजवा सकते हैं मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, मैं कल सुबह तक आपको भिजवा देता हूँ। थैंक यू। रिपोर्ट्स के आते ही मुझे ये माँ पापा जी को बताना होगा, और सब ठीक रहा तो कल निहार जी की भी रिहाई हो जाएगी। रुचिता, ये रिपोर्ट, ये सच है? हाँ पापा जी, ये सच है, वो अस्थियां अमृता की नहीं। अब तो मेरा सच यकीन में बदलता जा रहा है कि अमृता जिंदा है। रुचिता, तुम अभी तक उसी बात पर अटकी हुई हो। तुम्हें मैंने कहा था ना कि उस दिन प्रतीक जी खुद उसकी चिता को दाग देकर आए। हाँ भाभी, वही चिता साबित करिए कि वो अस्थि अमृता की नहीं बल्कि किसी जानवर की थी। पापा जी, मैं अभी ये रिपोर्ट लेकर लॉयर के पास जा रही हूँ। ये रिपोर्ट देख करके और इसके बिना पर निहार जी को जरूर बेल मिल जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। नहीं पापा जी, आपका कल से बीपी लो है, आप प्लीज आराम कीजिए, मैं चली जाऊंगी। तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। भैया, निहार जी के जाने के बाद से ऑफिस का काम और ज्यादा हो गया है, आप प्लीज उसे संभालिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से चली जाऊंगी। हेलो मासी जी, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। रहने दे रितु, इन फॉर्मालिटीज की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया था, अमृता की अस्थियां गायब है। क्या? हाँ मासी जी, वो रुचिता भी अभी कोई रिपोर्ट लेकर आई है। कैसी रिपोर्ट? वो तो मुझे नहीं पता। पहले तो मुझे शक था, अब यकीन हो गया है। किस बात पे यकीन हो गया? इस बात का कि मेरी बेटी की अस्थियां रुचिता ने ही चुराई है। उसने अमृता की अस्थियां चुराकर फेंक दी और उसकी जगह किसी जानवर की अस्थियां रखकर अपने पति को बेगुनाह साबित कर रही है वो। नहीं नहीं मासी जी, रुचिता ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। कोई भी गैर कानूनी काम वो कभी कर ही नहीं सकती। अच्छा तो तू ये बता, जिस औरत के पति को सच बोलने से फांसी होने वाली हो और झूठ पर उसकी जान बच सकती हो, वो औरत क्या करेगी? ऊपर से तेरे ससुराल में पैसों की कमी तो है नहीं। झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। पर तुझे इन सब बातों से क्या, तू तो आंख बंद करके उनका ही साथ देगी ना, तेरे परिवार वाले जो ठहरे। बेटी तो मेरी गई है। नहीं मासी जी, ऐसे मत बोलिए प्लीज, अमृता मेरी भी बहन है। तो ऐसे बहन होने का फर्ज निभा रही है तू रितु? है, वो तुम्हारा ससुराल है, वहाँ जिंदगी बितानी है तुम्हें, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल नहीं करूँगी। मासी जी, मैं फिर बस यही कहूँगी कि रुचिता ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, जाने दे। जब तूने अपनी साइड चुन ही ली है तो हम दोनों बात करके वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? मैं फोन रखती हूँ।
हे खाटू महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए कि आज इस फाइल के जरिए निहार जी को जमानत मिल जाए। भगवान, रुचिता ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे रिपोर्ट्स पर ऐसे दिया कैसे गिरा सकती हो तुम? मुझे खुद पता नहीं चला माँ, और दिया तो काफी दूर रखा था। फिर रुचिता, ये रिपोर्ट निहार की आजादी की चाबी है, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना इसे। जी दादी जी। हे भगवान, बस किसी तरह से निहार जेल से बाहर आ जाए, मैं एक बड़ी सी पूजा रखवाऊंगी घर में। थैंक गॉड रिपोर्ट बच गया। संभल के आप ठीक है ना? लगे तो नहीं आपको? वकील साहब, ये कागज हम अदालत में जमा कर देते हैं, इसके बाद तो जज साहब को निहार जी को बेल देनी ही पड़ेगी। वकील साहब आप देख क्या रहे हैं, जल्दी कीजिए ना प्लीज। रुचिता जी, निहार जी को जमानत नहीं मिल सकती। क्या? क्यों, आपने अभी तो फोन पे कहा था ना कि ये सबूत बहुत बड़ा है, उन्हें आसानी से बेल मिल जाएगी। मगर तब मुझे ये नहीं पता था कि अपने कोई सबूत लेके आएंगी। क्या? जी हाँ, नकली सबूत। ये रिपोर्ट नकली है, अगर मैंने अदालत में पेश की तो निहार जी को जमानत के बजाय दुगनी सजा मिलेगी। नकली? ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असली थी। मैंने इसमें तो डेट पिछले साल की, लेकिन जब मेरे पास थी तो करेक्ट डेट थी बिल्कुल। मैं इसका मतलब किसी ने ये बदला है, लेकिन कहाँ और कौन कर सकता है ऐसा? कैसे हो? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बिना पे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं घर से तो सीधा यहीं आई हूँ, फिर कौन बदल सकता है? कहीं घर में तो किसी ने नहीं बदला। बुरखे वाली औरत ने क्या? सेतु, जी माँ। क्या कर रही थी? वो बेडशीट सही कर रही थी। वो माँ जी के लिए काढ़ा बना देना, उनके गले में बहुत दर्द है। सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपने घर में इस लड़की की तस्वीर लगाने दूंगी? बहन के प्यार में ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो, और इस घर के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी पहले है। आप चिंता मत कीजिए माँ, ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो गलत हो।
लेडी और कहाँ गई वो? बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अब देखती हूँ निहार जेल से बाहर कैसे निकलता है। तो बुर्का पहनकर आपने बदली है वो रिपोर्ट? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और तभी शायद आप मेरे लॉयर के दफ्तर के बाहर खड़ी। बाय द वे, इस एरिया में एक लौता तुम्हारा लॉयर नहीं है, मेरे लॉयर का ऑफिस भी यहाँ पे है, समझी? और कितना झूठ बोलेंगे आप अपनी बेटी को बचाने के लिए? देखिए, आप दोनों का खेल ना खत्म हो चुका है। मुझे पता चल चुका है कि वो अस्थियाँ आपकी बेटी की नहीं बल्कि किसी जानवर की थी। और मुझे भी पता चल गया है कि तुमने मेरी बेटी की अस्थियाँ चोरी की और किसी जानवर के साथ बदल दी ताकि तुम अपने पति को बचा सको। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। निहार के साथ तुम्हें भी सलाखों के अंदर करवा दूंगी मैं। वो सब आप बाद में कर लीजिएगा, पहले आप ये बताइए कि आप फोन पे किससे बात कर रही थी, अपनी बेटी अमृता से या अपने किसी असिस्टेंट से जिन्होंने आपकी वो रिपोर्ट्स बदलने में हेल्प की थी? दिखाइए जरा मुझे भी कौन है आपका वो शुभ चिंतक। कहीं इसे सच ना पता चल जाए। मेरा मोबाइल दो मुझे। मोबाइल छोड़िए, मेरा मोबाइल नहीं मुझे। खुश मिल गई तसल्ली तुम्हें मेरा मोबाइल तोड़कर? पागल लड़की, तुम्हें तो किसी पागल खाने में भेज देना चाहिए। वैसे भी तुम जल्द ही किसी पागल खाने में जाने वाली, क्योंकि निहार की फांसी का सदमा जो नहीं सह पाओगी तुम। इतनी आसानी से मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। पूरे परिवार को अपने पैरों के नीचे गिरा कर रहूंगी। और तुम अपने पति की जान की भीख मांगोगी और मैं माफ नहीं करूंगी। और वो नौबत आने से पहले ही मैं आपकी बेटी का भांडा फोड़ दूंगी। मीरा जी, झूठ की जबान भले ही लंबी होती है पर उम्र नहीं। एक दिन उसे सच के आगे दम तोड़ना ही पड़ता है। क्या जवाब दूंगी मैं सबको? मां, पापा जी, निहार जी, मैं किसी से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। चलो तुम निकलो यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलो माँ, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। माँ, I'm sorry। चलो माँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। चलो निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में पता ही नहीं चला वो रिपोर्ट कब बदल गए। भांग कहाँ गई थी जो तुम्हें पता नहीं चला रिपोर्ट कब बदल गए? वो निहार की रिहाई की आखिरी उम्मीद थी जिसे गवा दिया तुमने। एक पल के लिए तो मैं भी खुश हो गई थी, मुझे लगा कि हम में से कोई जो नहीं कर पाया शायद तुम कर दिखाओगी। लेकिन अगले ही पल सारा मामला और भी ज्यादा उलझा दिया। चलो तुम निकलो यहाँ से, हम देख लेंगे हमें अपने बेटे को कैसे छुड़वाना है। तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलो माँ, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। माँ, I'm sorry। चलो माँ, वहाँ पे मीरा जी भी थी। जरूर उन्होंने ही कुछ किया या करवाया होगा। माँ, आप प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं जब तक निहार जी की जमानत नहीं करवा देती तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। माँ, मैं अपने मंगलसूत्र, सिंदूर
और अपने सुहाग की कसम खा के कहती हूँ माँ कि मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। बस मुझे एक मेरे बेटे की झूठी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। वकील साहब का मैसेज है कि उस चाकू पर तीन लोगों के उंगलियों के निशान मिले, मतलब वो तीसरी उंगलियों के निशान माँ के हैं। बस पूनम शांत हो चली, रुचिता के लिए भी ये आसान नहीं है। इसकी तरफदारी करना बंद करेंगे आप? मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ पूनम, लेकिन रुचिता की मेहनत को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकती। अरे उसने कोशिश तो की ना। और रुचिता, ये निहार की जिंदगी का सवाल है बेटा, इसमें हम जरा सी भी लापरवाही नहीं बरत सकते। आज तुम्हारी एक गलती की वजह से बेचारे निहार की उम्मीद फिर से टूट गई। मैं जानती हूँ पापा जी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। और अगर ऐसी गलती करो तो इस घर में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे अपने मायके चली जा। पर हम ये बात निहार को बताएंगे कैसे? आपका मैसेज है कि उस चाकू पर तीन लोगों के उंगलियों के निशान मिले, मतलब वो तीसरी उंगलियों के निशान माँ के हैं। वकील साहब का मैसेज है कि उस चाकू पर तीन लोगों के उंगलियों के निशान मिले, मतलब वो तीसरी उंगलियों के निशान माँ के हैं।